हुआ था। ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी और सड़क से खाड़ी में गिर गई होगी। एक्सीडेंट में बंसी नाम के आदमी की मौत हो गई है। तुमने बहुत तगड़ी प्लानिंग की है जय। पैसों के लिए तुमने ऐश्वर्या से प्यार का नाटक किया, उसकी कंपनी से करोड़ों पैसे लूटे, तुम जय गौरी फाइनेंस के किसी स्कैम में शामिल। क्या हुआ, मुझे भी मारना चाहते हो? तुमने जो स्कैम किया है अभी तक ऐश्वर्या को पता नहीं है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी फ्रेंड नित्या के पास भी हैं। तुम अब बुरी तरह फंस चुके हो। डेविड और बंसी को तुमने क्यों मारा ये बाद में बताना, मैं जानना चाहती हूं कि गौतम को तुमने ही मारा है या नहीं। हाँ मारा। क्यों मारा? मुझे उसे मारना पड़ा। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर गौतम नहीं मरता तो जय का पूरा परिवार बुरी तरह से बर्बाद हो जाता। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाता? मेरा परिवार नहीं, जय का परिवार। झूठ मत बोलो। मेरे साथ जो हुआ वो किसी को नहीं पता और कोई विश्वास भी नहीं करेगा। तुम्हारे लंदन जाने के 10 दिन बाद मैंने अपने एडवेंचर कैंप के स्पॉन्सरशिप के लिए जय गौरी कंपनी की वेबसाइट खोली थी। उस वेबसाइट में जय गौरी चेयरमैन का फोटो देखकर मैं हैरान रह गया। उसका नाम जय था और वो बिल्कुल मेरे जैसा था। मेरी छोटी छोटी दाढ़ी होती तो मैं बिल्कुल वैसा ही दिखता। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तभी मेरे दिमाग में एक बात सूझी। देखना चाहता था कि अपना लुक बदलकर मैं जय जैसा दिख सकता हूँ या नहीं। मैंने जब आईने में देखा तो सच में जय जैसा दिख रहा था। इस रिजल्ट से मैं खुश हो गया। मुझे कोई भी जय समझेगा। इस बात की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मुझे पता चला कि जय की कंपनी के ट्रांजैक्शंस देखने वाले उसके ताऊ जी मोहन उससे एक होटल में मिला करते थे। उस दिन मोहन जी अकेले ही आए। मैं जय बनकर स्पॉन्सरशिप के लिए उनके कमरे में गया, ऐसे ही उन्हें सरप्राइज करने के लिए। हाय।